आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। टनकपुर शारदा नदी से हो रहे भू कटाव को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। गांव के वरिष्ठ जनों ने बताया कि शारदा नदी से लगातार भू कटाव की समस्या बनी हुई है और अभी तक सुरक्षा संबंधित कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है। नदी हर साल इसी तरह आती है और ग्रामीणों की करोड़ों की भूमि आपदा की भेंट चढ़ा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके कई खेत बगीचे, आम लीची के पेड़, धान की फसल को खासा नुकसान हुआ है। वहीं प्रधानपति ने शासन प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया, शारदा नदी के आसपास जितने भी गांव हैं सब पर भू कटाव का खतरा मंडरा रहा है। अगर शारदा नदी का रुख बदलता है तो भयानक तबाही होने के आसार है। वहीं मौजूद नारायण सिंह महर ने बहुचर्चित 28 एकड़ पर खनन कराए जाने को जिम्मेदार बताते हुए खनन पर रोक लगाने की मांग की है। न्यूज 9 भारत के लिए पार्वती देवी की रिपोर्ट। जैसे काश्तकारों की भूमि क्षेत्र से लगी हुई भूमि के कतई प्रतिबंध कर देना चाहिए, उसको उस क्षेत्र में खनन नहीं होना चाहिए। 28 एकड़ को सभी जग जाहिर है, सभी लोग देख रहे हैं कि 28 एकड़ में जब से खनन हो रखा है शारदा चुंगी के क्या हाल हैं। सबको सबने देखा होगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मकानों से वंचित होकर शारदा चुंगी जब बही थी, सबने दूसरे टेंट में रात बिताई थी, धर्मशालाओं में रात बिताई थी, वो क्या कारण है? वो खनन का ही कारण है। 28 एकड़ में जब से खनन हो रखा तब से यही दशा है और हम चाहते हैं कि प्रशासन शासन जो भी है भाई, खनन को कुछ दायरा सीमित हो और ऐसी जगह पर तो बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना चाहिए जहाँ से कि क्षेत्र को पूरा खनन से नुकसान हो। लोगों का कोई बचाव का कारण ही नहीं हो सकता। हम नहीं मान सकते कि वायर के डाल के कोई छोटा मोटा पैसा डाल के सरकार का मिसयूज हो। हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा तटबंध हो, जैसे बूम में बना रखे हैं, डबल ट्रिपल लेयर में ब्लॉक पड़नी चाहिए अंडरग्राउंड, वो भी कम से कम 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर तक गहराई से, ऊपर तक कम से कम 10 मीटर की रेंज तक की हाइट के अगर ये पड़े 25-30, जैसे उचली गोट बूम में डलवा रखें तभी इसका बचाव हो सकता है। और कम से कम ज़्यादा ना पड़े, भले ही 500 मीटर में पड़ जाएँ, 1 किलोमीटर की रेंज में पड़ जाएँ, तो उससे काफ़ी बचाव हो सकता है। ये कि जो खनन पॉलिसी है, खनन पॉलिसी एक बात की बात है, पहले गांव की सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा तटबंध बनाए जाए, उसके बाद सरकार बीच में उससे आगे को कुछ भी करे, उसमें हमारा कोई वो नहीं, ऐतराज़ नहीं है। लेकिन गाँव की सुरक्षा पहले हो, उसके बाद खनन की पॉलिसी। जगह जगह गाँव को बचाने के कटाव क्षेत्रों में तटबंध, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, गैडा खाली, उचौली गोट, गैडा खाली, थोलखेड़ा, खेतखेड़ा, नए गोट तक ये पूरा एरिया, सारा एरिया वहाँ की नदी है, आप खुद देख रहे हैं प्रत्यक्ष आपके सामने। तो इसमें आए सक्षम अधिकारी, उनसे बात की जाए, उनको बताया जाए, वो देखेंगे इसकी व्यवस्था करें। वो वायर क्रेट जो है, वायर क्रेट जगह जगह तटबंध बनाया जाए, बाकी खनन से हमारा क्या, खनन गवर्नमेंट की पॉलिसी वो अपना करे, पहले सुरक्षा पहले और उसके बाद खनन बात। हमने पहले वो बोल रखा, अभी भी बोल रहा, कई बार हमने लिखित तौर पे भी दे दिया SDM साहब को, DM साहब को और ऊपर हमारे विधायक जी को भी दे रखा कि यहाँ पर जो है गांव को बहुत अधिक खतरा है इससे, जैसे बूम से लेके उचोली गोट से लेके गैडा खाली थालखेड़ा तक इतना खतरा है, यदि नदी का मुख पलटता है तो वो एक तरफा पूरे गांव को अपने में समा ले डूबेगा। इसलिए हम सरकार से और जो भी माननीय हमारे विधायक जी हैं उनसे और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान दें, सरकार भी ध्यान देगी और हमें विश्वास भी है कि अभी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी से बहुत उम्मीदें हैं, यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि वो हमारे यहाँ लोगों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हमें उनसे बहुत आशाएं हैं कि यहाँ पर जरूर ऐसा काम होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।